बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान है, पकोड़े ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह वो वाले पुराने से पकोड़े खा कर बोर हो चुके हैं तो इस पकौड़ों को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आज हम बनाने वाले हैं मैगी या नूडल, जो भी पकौड़ा आप लोग इसे बोले, बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार, सबसे ज़्यादा हट के बनते हैं। चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में हमने दो छोटे पैकेट नूडल लिए थे जिसे अच्छे से मैंने बॉईल के लिए 80%। अब इसमें डाल देंगे एक कप भर के बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर का। तो बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। अब बारी आती है जी कुछ मसाले डालने के। सिंपल से मसाले हैं, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, तो नमक आपको थोड़ा ही रखना है, ज़्यादा नहीं डालना है। एक टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून धनिया यानी कि कोरिएंडर पाउडर इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालने वाले हैं जी एक टीस्पून हल्दी पाउडर। इतने अच्छे बनेंगे ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक टीस्पून इसमें डाल देते हैं जी जीरा। और अब बारी आती है इसमें वो मसाला डालने की जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैगी का मसाला जो कि मैगी के अंदर से निकलता है वो इसमें सारा चला जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है इसलिए हमने शुरू में नमक की मिकदार को कम रखना है। थोड़ी सी रफली कटिंग की हुई प्याज, तो आप लोग इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ इन तीन चीज़ों से अगर बनाते हैं ना, बेसन, प्याज और मैगी से, फिर भी ये इतने लाजवाब बनेंगे ना कि आप दूसरे वाले पकौड़े भूल जाएंगे। अब इन चीज़ों को आराम आराम से हम लोग मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों ने इसमें पानी लगाकर इसको जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी को परफेक्ट करना है। पहले पानी आपको नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि नूडल हमारे में मॉइस्चर होता है नूडल में भी, क्योंकि हमने इसको बॉईल किया हुआ है। तो लीजिए यहाँ पर पानी आधा कप लगेगा और आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी कुछ यूँ चाहिए कि अच्छे से जब हम इसको फ्राई करने के लिए पैन में डालें तो इसकी शेप जो है ना अच्छे से हमारे हाथों में बन जानी चाहिए। बस इसकी इतनी कंसिस्टेंसी हम लोगों को चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी बेटर नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि ये देखिए हाथ से इस तरह से बना रही हूँ ना, तो बिल्कुल ईजीली ये बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद फ्लेम को मीडियम रख के फ्राई करना है ताकि अंदर तक बेसन हमारा पक जाए। मैगी तो ऑलरेडी पका हुआ है लेकिन हमें बेसन को अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी खाते हैं उसमें आप लोग इसे बना सकते हैं। फ्लेम को याद रहे मीडियम रखना। अब आपको पकौड़ा डालने का भी तरीका बताती हूँ। हाथ से इस तरह लीजिए, बिल्कुल आराम से इसे छोड़ दीजिए, इस तरह सबका हाथ भी नहीं जलेगा। लेकिन आप लोग चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हाथ से पकौड़े की शेप आती है ना वो चम्मच से बिल्कुल भी नहीं आ पाती। तो लीजिए यहाँ पर इसके साइडों को चेंज वगैरह करते हुए, मतलब कि टर्न करते हुए हम लोगों ने पकौड़ों को अच्छे से बना लिया है और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए हैं। बस इस पॉइंट पर हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमने जलाना नहीं है। तो चलिए अब इसे निकालते हैं, इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारे मज़ेदार ज़बरदस्त गर्मा गर्म नूडल पकौड़ा या मैगी पकौड़ा, जो भी इसको आप लोग बोले। अगर आपको मेरी आज की मज़ेदार ज़बरदस्त फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी अच्छी लगी है ना, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपनी दुआ में रखिएगा जी, हमें याद मिलेंगे एक और मज़ेदार सी परफेक्ट सी ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तो इसे ज़रूर से इफ्तारी में बनाइएगा, रमज़ान है, रमज़ान में ज़रूर से ऐसा कुछ बनाएं जिससे बहुत ही ज़्यादा सभी को मज़ा आ जाए। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।